हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जब भी आप मेरे ब्लॉग को देख रहे हो, और आप सभी का फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली अभी सुबह के लगभग 11 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ थोड़ा बाहर। तो जाते हैं बाहर और आपको बाहर का सीन दिखाते हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, फाइनली अब मैं जा रहा हूँ घर। तो जाते हैं घर, फिर आप लोगों से मिलते हैं घर पे दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं जहाँ गया था घूमने के लिए, मतलब घूमने के काम से ही गया था, लेकिन उतना भी अच्छा काम नहीं था। मतलब पापा का काम था तो इस कारण से गया था। तो काम हो चुका है और मैं घर आ चुका हूँ दोस्तों। और अभी दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं दोस्तों। दोस्तों मैं बता दूं, जो ब्लॉगर से कल मैं मिलना वाला था, BS Lifestyle, जो कि मोटो ब्लॉग करते हैं, 32.8 के सब्सक्राइबर हैं उनके। तो वो मुझे रात में मैसेज किए थे कि भाई, मतलब मैं आपसे मिलना चाहता था लेकिन कुछ काम आ गया था, इस कारण से मैं नहीं कल आ पाया। तो मैंने उसका मोबाइल नंबर भी ले लिया है और वो बोले हैं कि आज मिलने के लिए बोले थे दोस्तों, लेकिन आज मुझे काम है दोस्तों, इस कारण से मैंने उनको बोल दिया कि कल नहीं मिल पाऊंगा, किसी और दिन मैं आपसे मिलूंगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज क्या काम है। आज दोस्तों शाम में AC ठीक करने के लिए आने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि AC ख़राब हुआ है, तो वो आज शाम में आने वाले हैं दोस्तों ठीक करने के लिए। तो आएंगे तो आपको हम ब्लॉग में दिखाएंगे कि क्या हो रहा है AC का सारा कुछ दोस्तों। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, तब ना आप लोग जान पाइएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है सारा कुछ दोस्तों। तो दोस्तों, उससे पहले अभी आपको जैसा कि पता है कि 12 बज चुके हैं, तो मैं जाता हूँ जल्दी से फ्रेश व्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलता हूँ। हेलो दोस्तों, तो फाइनली दोस्तों अभी लगभग मगरिब का अजान हो चुका है और शाम हो रहे हैं और मैं छत पे आया हुआ हूँ और अभी थोड़ा आराम कर रहा हूँ। तो थोड़ा देर बाद अब AC वाले आने वाले हैं भैया, तो आते हैं तो फिर आपको हम दिखाते हैं और नीचे जाएंगे और दिखाएंगे दोस्तों। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली वो आ चुके हैं अभी AC को ठीक करने के लिए, तो आपको दिखाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ मशीन लगा हुआ है और ये गया है रूम में। तो दोस्तों देख सकते हैं, फाइनली पूरा साफ हो चुका है AC और पूरा अच्छा हवा भी दे रहा है दोस्तों। देख सकते हैं पूरा साफ़ हो गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को फाइनली मैं बता दूं दोस्तों कि AC पूरा गंदा था, पानी चूरा था उससे, लेकिन इसका सर्विसिंग किया गया, पूरा पानी से इसको साफ़ किया गया खोल के दोस्तों। और अभी देखते हैं, अभी तो ठीक ही चल रहा है, अभी सर्विसिंग हुआ है, हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या कंडीशन रहता है AC का दोस्तों। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों को मैं बता दूँ कि अभी रात के लगभग 10 बज चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग ब्लॉग में देखे कि आज AC मतलब ठीक हो गया, उससे पानी चूरा था, क्योंकि दोस्तों वो गंदा था, बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी जमा हो गया था, तो उसका सर्विसिंग करना पड़ा दोस्तों। तो सर्विसिंग में दोस्तों वही पाइप लगा था, आपको तो देखे ही मोटर लगा था,
और उससे पूरा ना प्रेशर वाला ना पानी मार के ना पूरा साफ किया गया, तो उसको पोछा गया, फिर उसको सेट किया गया। तो दोस्तों अब हवा भी बहुत अच्छा दे रहा है, ठंडा दे रहा, बहुत ही अच्छा हुआ। और वो बोला कि हमेशा मतलब सर्विसिंग कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप हमेशा एसी का सर्विसिंग करवाते रहेंगे तो आपका जो एसी का लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगा। लाइफ टाइम बोले तो उसका मतलब जो खराबी आता है एसी में, बहुत एसी में आप लोग देखे होंगे नए नए में भी खराबी आ जाता है, तो इस कारण से आता है क्योंकि वो लोग सर्विसिंग नहीं कराते हैं। आज सर्विसिंग कराते रहेंगे तो अगर उसका जो गारंटी पीरियड उससे भी बहुत ज़्यादा दिन तक चलेगा, लेकिन खराबी नहीं आएगा दोस्तों। तो हमेशा आदमी को दोस्तों सर्विसिंग करवाते रहना चाहिए दोस्तों, ऐसा वो बताएं। तो दोस्तों आपको आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही देने देते हैं, क्या ही रखना आज जो इतना अच्छा नहीं हुआ। कल का ब्लॉग दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, तो कल का ब्लॉग को मिस मत करिएगा। मैं बोलता ही हूँ लेकिन कल का आपको मैं बता दूँ कि कल बहुत ही बड़ा कुछ होने वाला है, जो आप लोग जरूर से जरूर कल का ब्लॉग देखिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही देने देते हैं, मिलते हैं कल के एक नए ब्लॉग के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।